आमिर खान साहब के साथ जब मैंने वो शूट किया था गजनी का सीन, ऑफ कोर्स तो बड़े ही काइंड है वो, उन्होंने हालांकि मेरा छोटा सा किरदार था पर मुझे उन्होंने इम्पोर्टेंस बहुत दी थी। काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस सीन के बारे में, और सुबह जब शूटिंग के लिए आए तो उसको जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने उसको सेट किया था सीन को कि कहाँ से कौन जाएगा कैसे आएगा, फिर हमने रिहर्स किया था और बड़ा ही कम्फर्टेबल एक माहौल था। लेकिन मेरे लिए एक्चुअली उस वक्त मैं इतना एक्सपोजर नहीं था मेरा, लेकिन वो जो किरदार था मुझे बड़ा अच्छा लगा था और मैंने बहुत मज़ा लिया था वो बोलते हुए कि तुम्हारे लिए इतना ठंडा बहुत है। वो एक्चुअली मेरे को हंसी आ रही है कई रीजन से, एक तो कैरेक्टर ऐसा था और एक टाइम भी ऐसा था, तो तीन चार चीज़ें मिक्स हो गई, पर अच्छा एक्सपीरियंस था। हाउ डू सी जर्नी टिल डेट, ये सफर वहाँ से यहाँ तक सुनील, हाउ डू सी दिस? वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, उसका एक अपना मज़ा था। किसी भी लाइन में खड़े होके कहीं भी खाना खा लो कोई नहीं पूछता था। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं सेट पे जो माहौल होता था कि ये टेक्नीशियन की लाइन है, ये टेक्नीशियन की आर्टिस्ट की लाइन है, तो आप थोड़े थोड़े सभी होते हैं फिर तो। और उस वक्त सबको बुलाना पड़ता था कि हेलो मेकअप तो कर दे, हेलो मैं भी हूँ, आमिर खान नहीं मैं भी हूँ, तो क्योंकि बट ऑफकोर्स एक तो आमिर खान साहब के जो काम जब मैं उनको देखा है पहले भी, और उनकी एक्टिंग को मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, उनकी परफॉर्मेंसेस को, तो एक तो वो था कि उनके साथ काम कर रहा हूँ, और पर जब मैं मिला तो उन्होंने बड़ा एक नेचुरल सा बिहेव किया, बड़ा नॉर्मल सा बिहेव किया, तो मुझे लगा कि किसी भी आर्टिस्ट जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम लोग उन एज अ फैन सोचते हैं कि यार ये कैसे बिहेव करेंगे या कैसे कर रहे होंगे, बट लेकिन वो अपना काम कर रहे होते हैं, तो यही चीज़ें सीखने को मिलती है जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं कि वो आपका काम में ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, काम के लिए जो पैशन है उनका, तो वो कुछ बातें जो वो कहते नहीं हैं पर आप देख के सीख जाते हैं तो वो ज़िंदगी भर काम आ जाती हैं। तो आई थिंक वही एक जर्नी में ऐसे मुकाम होते हैं जब जहाँ से आप सीखते हैं और आगे के लिए वो चीज़ें काम आती हैं, तो उस जैसा मैंने कहा कि आपकी जर्नी में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है, नोइंगली अननोइंगली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, लेकिन आप चीज़ें ग्रैस्प करते रहते हैं धीरे धीरे, और अभी भी चलता रहता है वो प्रोसेस कि हम लोग सीखते रहें और आगे और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहें।